तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप लोग जियो, एयरटेल, वोडाफोन एड अभी या बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करते हो तो इन कंपनियों ने सिम कार्ड को लेकर नया बदलाव किया है। अब आपका जो सिम कार्ड है बिना रिचार्ज के कितने दिन तक चालू रहेगा, यानी अगर आप लोग अपनी सिम कार्ड को रिचार्ज नहीं कराते हो तो कितने दिन बाद आप लोगों का सिम कार्ड बंद हो जाएगा। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा काफी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर एक या दो या तीन सिम कार्ड यूज करते हैं और वो अपनी सिम कार्ड में हर महीने तीनों में रिचार्ज या दोनों में रिचार्ज नहीं करा पाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जो यहाँ पर दो तीन ही सिम कार्ड यूज करते हैं वो इसलिए कि यहाँ पर उनको हर महीने रिचार्ज भी सस्ते पड़ते होंगे, जैसे कि उन्होंने इस महीने इस सिम कार्ड में रिचार्ज कराया, फिर वो रिचार्ज यहाँ पर एक महीना उस सिम कार्ड में यूज करने के बाद में वो यहाँ पर अपनी दूसरी सिम कार्ड में रिचार्ज करा लेते हैं, उसमें भी यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। तो अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ नियम में बदलाव किया गया है। आप लोग अपनी सिम कार्ड को बिना रिचार्ज किए कितने दिन तक चालू रख सकते हो और कितने दिन बाद आप लोगों का सिम कार्ड बंद हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जैसे कि सभी कंपनियों का अलग अलग नियम है, जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन एड बी और बीएसएनएल की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्या है कि आप लोगों ने जो भी रिचार्ज प्लान लिया है, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं 28 दिनों का आपने कोई भी रिचार्ज लिया है अनलिमिटेड, या आप लोगों ने सिम कार्ड चालू रखने ही वाला क्यों ना लिया हो, अब आपकी जो उसमें आउटगोइंग होती है वो यहां पर 28 दिनों तक तो रहती है, उसके बाद में आप लोगों की जो इनकमिंग होती है 6 से 7 दिन और आती है, उसके बाद में जो आपकी इनकमिंग कॉल होती है उसको बंद कर दिया जाता है। अब जब तक आप लोग रिचार्ज नहीं कराओगे तो ना ही आप लोग कॉल कर पाओगे और ना ही कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सिम चालू रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम रिचार्ज यहाँ पर 99 रुपए का होता है, जैसे कि मैं एयरटेल और वोडाफोन एड बी की बात करूं। अब अगर आप लोग यहाँ पर रिचार्ज नहीं कराते हो तो आप लोगों का कितने दिन बाद नंबर बंद हो जाएगा, जो भी आपका सिम है वो बंद हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर 60 से 70 दिनों तक रिचार्ज अपनी सिम कार्ड में कोई नहीं कराते हो तो आप लोगों का सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा, परमानेंटली आप लोगों का बंद हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पर कभी भी इसको चालू नहीं करा पाओगे, ठीक है। और जो आप लोगों का ये कंपनियां नंबर बंद करेंगी वो यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट में वो नंबर इशू कर देंगी, उसके बाद में वो यूजर्स इस सिम कार्ड को ले लेगा, फिर आप लोग यहाँ पर कितना भी चाहे आप लोग कोशिश करो आप लोग वो नंबर अपना नहीं ले पाओगे। ये दोस्तों नियम एयरटेल, वोडाफोन एड बी और बीएसएनएल में ही लागू होता है। दोस्तों कुछ दिनों से देखा गया है कि यहाँ पर सिर्फ वोडाफोन एड बी में देखा गया है कि सिम कार्ड ऑटोमेटिकली क्रेश हो जा रही है। जो भी यहाँ पर वोडाफोन एड बी का सिम कार्ड यूज करते हैं के मोबाइल फोन में वो सिम कार्ड नहीं आ रही है, बार बार लोग परेशान हो रहे हैं, उस सिम कार्ड को निकलवा रहे हैं। वोडाफोन एड बी का यहाँ पर कुछ एरर चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सिम कार्ड जो है वो यहाँ पर क्रैश हो जा रही है, मोबाइल फोन में चलते चलते ही यहाँ पर ये खराब हो जा रही है। तो यहाँ पर वोडाफोन एड बी में ये ज्यादातर देखा जा रहा है इस टाइम। तो दोस्तों अब हम बात करें जियो की, यहाँ पर कब तक रिचार्ज नहीं कराओगे आप लोगों का सिम कार्ड चालू रहेगा। तो दोस्तों जियो में कुछ अलग है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जियो के काफी ज्यादा सस्ते भी रिचार्ज आते हैं, जैसे कि अगर आप लोग जियो में 119 रुपए वाला रिचार्ज कराते तो आप लोगों को यहाँ पर 14 दिनों तक 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS कुछ आप लोगों को मिल जाते हैं, इसका आप लोग 14 दिनों तक यूज कर लेते हो। अब यहाँ पर 14 दिन पूरे होने के बाद में आपकी आउटगोइंग बंद हो जाती है, आप लोगों का रिचार्ज खत्म हो जाता है। तो आप लोग जियो में कब तक रिचार्ज नहीं कराओगे तो आप लोगों का सिम कार्ड चालू रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा है जियो में जो आपकी इनकमिंग कॉल होती है वो आपकी बंद नहीं की जाती है, इनकमिंग आपकी चालू रहती है। मगर हाँ दोस्तों जियो में मैंने ज्यादातर देखा है अगर आप लोग 1-2 महीने रिचार्ज नहीं कराओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगी कि अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम बंद हो जाएगा, काफी सारी कॉल आप लोगों को भी आती होंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को 1 या 2 महीने में कॉल आती है और आप लोगों से बोला जाता है कि रिचार्ज करा लो आपकी सिम कार्ड बंद हो जाएगी, तो दोस्तों इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके एरियाज के ही वो लोग होते हैं आपसे रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी कहे पर रिचार्ज करा लेते हो तो यहाँ पर उनका कमीशन बन जाएगा जो भी यहाँ पर 50 से 60 रुपए बनता है। मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों जियो के रूल है कि यहाँ पर अगर आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराते हो तो आप लोगों का सिम कार्ड बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जियो की सिम कार्ड को 90 दिनों से ज्यादा हो गए, उन्हें रिचार्ज नहीं कराया फिर भी उनका सिम कार्ड चालू है। तो जियो में बहुत कम ही ऐसा होता है जिनकी यहाँ पर 90 दिनों बाद ही यहाँ पर सिम कार्ड बंद की जाती है। अगर आपकी सिम कार्ड में कॉल्स वगैरह आती है तो आपका सिम कार्ड जल्दी बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को पता लग गया होगा जो भी यहाँ पर इन कंपनियों के सिम कार्ड को लेकर नियम थे। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।